लोकसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान बीजेपी ने फिर 2014 का इतिहास दोहराया है। इस बार के नतीजों में भी 16वीं लोकसभा के कई सांसदों ने जीत हासिल की है। भाजपा से 12 झालावाड़ से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह विकास के नाम पर जनता के चहेते बने। दुष्यंत के आगे कांग्रेस के प्रमोद शर्मा नहीं टिक सके। ऐसा कर दुष्यंत ने अपना वर्चस्व कायम रखा। यही कारण रहा कि पूर्व सीएम राजे के गढ़ में उनको फिर से जनाधार मिला। बीकानेर की ऐसी लोकसभा सीट से सांसद रहे अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी उम्मीदवारी का दबदबा कायम रखा। मेघवाल ने कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल को हराकर जीत का सफर जारी रखा। अर्जुन राम मेघवाल ने जीत का तीर चलाकर साथी उम्मीदवार को शिकस्त दी। इसके साथ ही टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने फिर से बाजी मारी है और दिग्गज नमो नारायण मीणा को करारी हार देकर फतेह हासिल की है। पाली से पीपी चौधरी और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ऐतिहासिक जीत का डंका बजाया है। निवर्तमान सांसद देवजी पटेल, सीपी जोशी और ओम बिरला ने भी कांग्रेस प्रत्याशियों को हराकर जनता के मन को जीत लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम जारी हो चुके हैं और प्रदेश की 25 की 25 सीटों पर फिर से बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन किया और आरएलपी के लिए एक सीट छोड़ी नागौर की, और उस सीट को मिलाकर कुल 25 सीटों पर फिर से बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। मिशन 25 के दावे बीजेपी ने किए, बीजेपी के नेताओं ने किए और उन दावों पर जनता ने मुहर लगा दी है।